फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की तरफ से अभी की बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड, स्नातक पार्ट वन परीक्षा को लेकर। जो छात्र सेशन 2018 से 21 के छात्र हैं, उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है फ्रेंड। यहाँ पर 12, 13 और 20 का जो आपका एग्जाम होने वाला था, वो परीक्षा का आपका यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है और नया डेट को यहाँ पर जारी कर दिया गया। और इस तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका 12, 13 और 20 तारीख का परीक्षा जो होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया। तो आप किस दिन से आपको किस दिन आपका परीक्षा लिया जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कब आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। और दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल के बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की तरफ से अभी अभी की नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। जैसा कि विषय में आप देख सकते हैं, 12/1/2020 एवं 13/1/2020 प्रतिष्ठा विषय तथा 20/1/2020 सहायक एवं सामान्य विषय को आयोजित होने वाले स्नातक खंड वन परीक्षा 2019 सेशन दिया गया 18 से 21 का की तिथि परिवर्तन से संबंधित, यानी कि तिथि परिवर्तन कर दिया गया। किस कारण से आपको यहाँ पर तिथि परिवर्तन किया गया है, पूरी खबर यहाँ पर देख लेते हैं। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि बिहार पुलिस की परीक्षा होने के कारण 12/1/2020 और 13/1/2020 तथा 20/1/2020 सहायक एवं सामान्य विषय को आयोजित होने वाले स्नातक खंड वन परीक्षा 2019 का सभी पाली की परीक्षाओं की तिथि परिवर्तन की जाती है। अब ये परीक्षाएं क्रमशः दिनांक 13/1/2020 प्रतिष्ठा विषय एवं 14/1/2020 प्रतिष्ठा विषय तथा 1/2/2020 सहायक एवं सामान्य विषय को पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर समान अनुसार होगी। शेष सभी परीक्षाएं यथावत रहेगी, यानी कि यहाँ पर नया डेट जारी कर दिया गया है। और फिर यहाँ पर बताया गया है, केंद्र अधीक्षक प्रधानाचार्य अपने स्तर से इस आशय की सूचना से परीक्षार्थियों को अवगत कराएंगे और इसे कृपया अति आवश्यक समझा जाए। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि आपको अति आवश्यक है, आपको न्यूज को पूरी, आपको जितने भी आपके फ्रेंड है जो छात्र हैं उनके पास ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो पूर्व में आपका जो तिथि था एग्जाम का, 12/1/2020 को जो आपका एग्जाम होने वाला था, वो आपका एग्जाम होगा 13/1/2020 को। और जो 13/1/2020 को एग्जाम होने वाला था, यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा 14/1/2020 को। और जो 20 तारीख का जो एग्जाम होने वाला था, वो आपका एक दूसरा महीना 2020 को लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर में दिया गया पूर्व से प्रकाशित तिथि और परिवर्तन करके ये तिथि दिया गया, 13/1/2020 को एग्जाम होगा, 14/1/2020 को एग्जाम होगा और 1/2/2020 को एग्जाम होगा। जैसा कि दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, परीक्षा नियंत्रण का डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 4/1/2020 को यह जारी किया गया है। नीचे आप साइन देख सकते हैं और इसमें आपको साइन के नीचे आपको 4/1/2020 दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अभी अभी जारी किया गया है, जो आपका एग्जाम होने वाला था 12, 13 एवं 20 का जो एग्जाम था, वो स्थगित करके आपका यहाँ पर नया डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया। 12 वाला आपका 13 का एग्जाम लिया जाएगा, 13 तारीख का जो एग्जाम होने वाला था वो 14 को लिया जाएगा और 20 तारीख वाला एग्जाम आपको 1/2/2020 को लिया जाएगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा।